उस इंजेक्शन को लगवाने के बाद तुम बला की खूबसूरत हो जाओगे। नहीं वो मैं नहीं लगवाऊंगी, नहीं इनके साइड इफेक्ट होते हैं, हमेशा रिएक्शन कर जाते हैं कि डॉक्टर की बीवी की जवानी भरभरा के भाई साहब एकदम नेचुरल चीज नेचुरल घंटा नेचुरल नेचुरल ले लूं। और देखो वो इंजेक्शन लगवा ही नहीं रही है, मैं पिछवाड़े पे लगाना है कूले पर, क्योंकि फिर जबरदस्ती लगाना पड़ेगा, मैं इसलिए पूछ रहा हूं। मुझे जवान नहीं होना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज के प्रैंक का टाइटल आपको पता ही है कि बीवी के लिए जवानी का इंजेक्शन। क्या बोला तूने? है ना दोस्तों, मजा आएगा ना इस प्रैंक को। इस प्रैंक को मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपकी भाभी के दो प्रैंक का रिवेंज इस प्रैंक के थ्रू होने वाला है। एक तो ये कि वो कल उसने किया था लिप सर्जरी प्रैंक, ठीक है, तो उसमें वो कह रही थी मैं अपने लिप्स में इंजेक्शन लगवा लूं, तो बेटा बहुत इंजेक्शन लगवाने का मन कर रहा है ना, तो आ जाए बेटा इंजेक्शन लगवाने, ठीक है ना। और एक प्रैंक उसने मुझ पर किया था कि पति को जवान बनाने के लिए काढ़ा पिलाया, तो बस उसी उन्हीं मतलब उसका भी रिवेंज होने वाला है, तो है ना, समझ रहे हो ना, तो समझ रहे हो ना, मजा आएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। देखो इस प्रैंक को पूरा कि कैसे मैं इस प्रैंक को अंजाम देता हूं, ठीक है। अच्छा अच्छा कमेंट करना, अच्छी जगह शेयर करना, ठीक है, मिलता हूं आपसे वीडियो के एंड में। 15 मिनट्स लेटर। यस यस, ठंड लग रही है यार, काम करने मन नहीं कर रहा। काम करके फ्री हो जाया करो जल्दी, हो क्या मेरे पास आके बैठ गई, फोन लेके जैसे ही बैठू तुम पता नहीं क्या मुझे देखने आ जाती हो। तुम्हें देखने नहीं आती मेरा बच्चा। एहे, रहा नहीं जाता। फोन देखने आती है। मैंने एक जरूरी वो देखा था, मैं ये चाह रहा था कि तुम्हारे स्वास्थ्य को और तुम्हारी हरकतों को देखते हुए तुम्हें ठंड ज्यादा लगती है, खांसी ज्यादा हो रही है, और फिर कुछ मैं चाह रहा हूं कि तुम्हारे अंदर जवानी और ज्यादा बढ़े जाए। क्या बोला तूने? और ज्यादा खूबसूरत बन जाओ और ज्यादा जवान बन जाओ। तो एक इंजेक्शन आया है मार्केट में, वो इंजेक्शन लगवा लो। सही बता रहा हूं, ठुकवा लो ना। कैसी बात करती हो तुम? मैं क्या लगवाऊं, मुझे नहीं जरूरत है। मेरे को जरूरत होती मैं ठुकवा लेता। हाँ मैं चाहिए हूँ, मुझे भी जरूरत नहीं है पागल। उससे जो स्किन होती है ना, स्किन ऐसे खिंची खिंची टाइट हो जाती है कि आदमी और ज्यादा जवान देखने लग जाता है। यानी जहाँ पे भी तुम्हें झुर्रियां पड़ रही होंगी ना। झुर्रियां? मैं झुर्रियां दिखाई दी? मैं बुढ़ी दिखाई दे रही तुम्हें? नहीं। अरे हो रही होंगी तो वो सही हो जाएंगी। नहीं हो रही है ना, मैं बुढ़ी हूँ, ठीक है, फालतू की बात मत क्या करो। अब जैसे लेट नाइट तुम फोन ज्यादा चलाती हो तो आंखों के नीचे ये जो पलकों के नीचे है ना, ये यहाँ पे है क्या, डार्क सर्कल? डार्क सर्कल भी सही हो जाएंगे, पुतलियां ये सब मानो। शाबाश, लगवा लो रंजना। मैं नहीं लगवाऊंगी ना, इनके साइड इफेक्ट होते हैं, हमेशा रिएक्शन कर जाते हैं कि कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता है, अच्छा होने के चक्कर में और बर्बाद और हो जाएगा। मैं नेचुरल चीज नेचुरल घंटा नेचुरल नेचुरल ले लूंगी, वो ज्यादा सही है। नेचुरल प्रोडक्ट खाती नहीं, हरी सब्जी खाने को कहा जाए तो हरी सब्जी तुम पे ठुसती नहीं है। क्यों ठुसती? हमें बड़ा मार मार के खिलाती हो तुम, डुगू तू भी खा, नवीन तुम भी खाया करो। और खुर कौन नहीं खाता हरी सब्जी? मैं खाती हूँ, ठीक है, फालतू की बात मत करो। हाँ हरी सब्जी खा लो तो चावल के संग भली खा लो। चावल ठुसवा लो, नहीं तो नवीन छोले भटूरे ले आओ, नवीन डोसा ले आओ, नवीन पाव भाजी बना ले। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। नवीन घंटा बना ले। ठंड हो रही है, अच्छा खाने का मन करता है इसलिए बना रही थी, पर ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा बनता है, मेरे नॉर्मल खाना हरी सब्जी सब प्रॉपर पूरा खाना जो होता है वो बनता है, ठीक है, बनता है, और जैसे तुम्हें खाना चाहिए जैसे हमें खिलाती हो ना, खाओ चार रोटी खाओ पूरी सब्जी खत्म करो, ऐसा तुम खाती हो? खाती हो? नेचुरल सप्लीमेंट लूंगी, पर मुझे कुछ ऐसा कुछ सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहे कि मैं बुढ़ी हो रही हूँ या मेरे रिंकल्स पड़ रहे हैं या मुझे ऐसी कुछ एंटी एजिंग क्रीम लेने की या खाने की जरूरत है। तुम सुनती तो नहीं हो, ऐसे क्या है तुम्हें लगाए जाए ना थप्पड़ थप्पड़ करके, थप्पड़ गाली गाल पे तब तुम्हारा मुंह बंद होगा। चल मार। मैं नहीं लूंगी, मुझे पता है सबके साइड इफेक्ट होंगे, मैं खाऊंगी नहीं, तुम ठुकवा लो, मैं नहीं लगा। देखो देखो नेट पे मैं तुम्हें दिखाऊंगा,
सकते हो। देखो मैं तुम्हें नेट पे दिखाऊं, मैं तुम्हें लगवा रहा है, तुम्हें क्या देखूं? तुम देखती तो नहीं हो। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम सुंदर नहीं हो, तुम सुंदर हो, तुम खूबसूरत हो, पर उस इंजेक्शन प्यारी समझ गई उनको लगवाने के बाद तुम बला की खूबसूरत हो जाओ। मैं मुझे बला की खूबसूरती नहीं चाहिए, मैंने मैं जैसी हूँ वैसी थी, भगवान ने जैसे मुझे बनाया बहुत बनाया। सुनो इस इंजेक्शन को दिखा के डॉक्टर से भी कंसल्ट किया है तो डॉक्टर कह रहे हाँ ये इंजेक्शन अच्छा है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। उसने अपनी बीवी के दो बार ठुकवाए हैं। डॉक्टर डॉक्टर के बाल भी कैसी है? डॉक्टर के बाल तब, डॉक्टर की बीवी का फोटो नहीं मेरे पास, डॉक्टर के बाल तब भी सफेद पड़े हुए हैं और बीवी अभी भी भाई सब जवान। देख लेने छोड़ो भाग जाएगी। उसने अपने मोबाइल में दिखाया था बीवी का फोटो, क्या गजब की कह रही है, हमेशा शक करता होगा अपनी बीवी पे, लड़का तो नहीं देख रहा, फालतू बात मत कर यार, नहीं कर रहा। अरे ऐसे ही होता है, दोनों एक जैसे लगे ना तो बढ़िया लगते हैं, हम दोनों इक्वल लगते हैं, एंटीक पीस लगते हैं, बिल्कुल मस्त एकदम। हम दोनों को किसी को जरूरत नहीं है ज्यादा अति सुंदर होने की, जैसे हैं वैसे से ठीक है। डॉक्टर की बीवी ने इंजेक्शन क्या लगवाया भाई साहब, उसकी जवानी, डॉक्टर की बीवी की जवानी भरभरा के भाई साहब एकदम भरभरा के जवानी का क्या करेगी, अचार डालेगी? जब उसका आदमी बुढ़ा लग रहा है उसके सामने, उसका उसका हस्बैंड उसके साथ चलता होगा तो उसको खुद को फील नहीं होता यार मैं तो बुड्ढा लग रहा हूँ, मेरी भी आवाज़ इतनी जवान तो उम्र है, तो उम्र ही भले ही सही हो पर उसको अच्छा नहीं फील होता होगा ना। अब दोनों एक जैसे इक्वल होते हैं ठीक है, नहीं लग रहा ना, बाहर के लोग भी कहते हैं आप क्या पेयर है, देखो दोनों अच्छे लग रहे हैं, ये चीज होती है कुछ ठीक है ना। मैं नहीं लग रहा, जाओ अपना काम करो, जा हमें तो समझाने बेकार, जा जा अरे जा यार, तुम तो यार समझाना बेकार है, बस फालतू का ज्ञान बांटने लगेंगे, कोई मांग रहा है इनसे लगवाना है नहीं, फालतू बकवास इतनी कर गए। तुम ठुकवा लो, तुम्हें जरूरत है, मुझे नहीं जरूरत है, कितनी बार करी तुम्हें समझ में नहीं आया। मैं ठुकवाऊंगा देखना, मैं अपने लगवाऊंगा, मैं मेंस वाला लगवाऊंगा ना, मेंस वाला भी ढूंढूंगा, देखा नहीं है मैंने। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। हेलो डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब मैंने तो अपनी बीवी को बताया था और देखो वो इंजेक्शन लगवाई नहीं रही है, मैंने आपसे पूछा था ठीक है ना, तो मुझे मालूम था कि वो लगवाएगी नहीं, तो मैं ये पूछ रहा था बस, उसने चाय नाश्ता तो कर लिया है, अब मैं उसके इंजेक्शन ठोक दूं है ना। बस एक बात और पूछनी है कि ये इंजेक्शन बाजू में लग जाएगा, नहीं लग पाएगा, पिछवाड़े पे ही लगाना है सीने पर, तो फिर जबरदस्ती लगाना पड़ेगा, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, तो मैं उसके लगा देता हूँ फिर ठीक है, जबरदस्ती लगा दूँ। अच्छा कहीं में ही लग जाए, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि मुझे मालूम है वो अभी बहस करके गई है, लगवाएगी तो है नहीं, मुझे बनाना उसे जवान, सब चीजों के एंगल से जवान बनाना, इसीलिए तो लगा रहा हूँ। और आपने बोला अभी है कि ये सब चीजों में जवान कर देगी बीवी को, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। डॉक्टर साहब चलिए रखता हूँ मैं, अब इसके पिछवाड़े पे इंजेक्शन ठोकने वाला हूँ बीवी के। देख ले क्या खा रही है, खा रही है तू नेचुरल? परेशान है, हैं? परेशान है। लड्डू? परेशान है। इंजेक्शन इतने को मेरे लड्डू भी खा लिए। नवीन कमीने। नवीन इंजेक्शन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा इंजेक्शन है, चले जाओ नहीं तो पड़ जाएगी तुमको एक। देख सुन, अभी मैं लगा देता इंजेक्शन तुरंत तो यूं करते, पर ये बाजू में नहीं लगेगा या पिछवाड़े में? अभी तो सेव कर रखा है पीछे। लगाओ, कैसे लगाओगे? वाह दीदी वाह दीदी। नहीं नहीं लगाओ ना, ताई हिम्मत लगाओ, मेरे को जोर मारो। पैर में लग गई बेवकूफ, पैर में। नवीन तुम्हें मेरी कर, तुम्हें मेरी कर, लड्डू कर गया। लड्डू सुरक्षित। सही खेल गया बैंच। मुझे जवान नहीं होना, तेरे को जवान नहीं, मुझे जवान मैं अति सुंदर अप्सरा जैसी सुंदर बना। क्यों मैं कम सुंदर? इंजेक्शन लड़की मेरे को गुस्सा मत दो, ये बता मैं तेरा पति हूँ, मैं तेरा पति हूँ, तेरे लिए कोई गलत डिसीजन लूंगा? क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से लूंगा गलत डिसीजन? हाँ ले सकते हो, एक नंबर के छिछोरे आदमी हो तुम, बंदर चकल के जानवर। सुन और मुझे डर लग रहा है मुझे रिएक्ट कर जाएगा, ये कुछ ना कुछ रिएक्शन हो जाएगा इसका। सुन नवीन कितने लोगों का रिएक्शन कर चुके हैं यार इस तरह के इंजेक्शन, कुछ नहीं होता इसका साइड इफेक्ट होता है। मैं नहीं।
मेरे यहाँ तो नहीं लगेगा, यहाँ वहां लग जाएगा, देख लेना कहीं और। मम्मी तुम्हारे नेट हो गया कहीं। ये जवानी का इंजेक्शन तो तुझे ठोकर ही रहूंगा। मैं तुम्हें अपनी कसम दी थी, तुमने मेरी कसम का भी मान नहीं रखा। आज से मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी, इससे रिएक्शन हो जाएगा मुझे। मैं विश्वास नहीं करती इस तरह के इंजेक्शन से, इनके कोई ना कोई साइड इफेक्ट होते हैं, मुझे नहीं लगवाना। नहीं नहीं, ये इंजेक्शन कितना महंगा आया है मालूम है? कितने का? इतना महंगा इंजेक्शन आया है। कितने का? 7,500 का इंजेक्शन है ये एक। मैं नहीं मानता, मेरी जिंदगी से ज्यादा बढ़ क्या? और इस सिरिंज में घुसेड़ दिया, अभी ये बेकार हो गया, वापस भी नहीं हो सकता। तुम खुद को लगा लेना, जाओ। ये लेडीज जो कौन सी है? बाहरी कुतिया घूमती है, उसको लगा देना काली कुतिया को। मैंने माफ कर लो नवीन, तुम्हारी कसम अगर मैंने छू भी गया ना ये, तो जाल से मार दूंगी, बता रही हूँ। मुझे नुकसान कर देगा यार, लेने की देने पड़ेगी, पेट में घुसने लगा क्या? कुत्ता नहीं काटा है मुझे। ये इंजेक्शन लगवा ले, सही बता रहा हूँ, मेरी रातें रंगीन हो जाएंगी। रातों को रंगीन बनाने के लिए बीवी के लिए जवानी का इंजेक्शन लाया हूँ मैं। अरे मुझे ये क्या? नहीं लगवाएगी? लगा तो नहीं। नहीं लगवाएगी? मुझसे बात मत करियो, मेरे लिए तू मेरी एक इच्छा भी पूरी नहीं कर सकती। नहीं, वैसे इतना भी प्यार नहीं कर सकती। नहीं, एक इच्छा पूरी नहीं कर सकती। नहीं कर सकती, ये तो बात बने की चीज। तो तुझसे बात नहीं करूंगा, देख लियो तूने इंजेक्शन नहीं लगवाया तो। ठीक है, मत करो। उससे बात मत करियो। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, तुम उससे बात मत करियो। अरे यार गुस्सा हो गए, बात क्या करना? अरे यार ये मुझे नुकसान कर जाएगा यार, तुमको कुछ मत समझ। नहीं आती, इसको रख दो ना, इसको किनारे रख। नहीं यार रख दूंगा यार। तू यार एक चीज बता, जो मैं तुझसे कह रहा हूँ ना, मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ यार कि भले ही मैं मर जाऊं, बुढ़ा हो जाऊं, तेरे को हमेशा जवान बना के रखूं, तो समझती क्यों नहीं है? इसलिए तो इंजेक्शन लगा रहा हूँ यार। रिकॉल के इंजेक्शन होते कितने लोगों ने लगवाए तुम्हें पता है? मैं तुझसे बात नहीं करूंगा अगर तूने मुझसे ये इंजेक्शन नहीं लगाया तो। हर कोई लगा के जवान बन जाए यार। हर कोई लगा रहा है? कौन लगा रहा है? बाहर चाइना में सब लगा रहे हैं। चाइना वाले से आए थे, चाइना से ही तो मंगाया है। मुझे नहीं विश्वास, रख दो। चाइना वालों की स्किन देखी तूने? लड़कियों की कैसी रहती है, एकदम टाइट टाइट। उनका खान पान उधर का ऐसे होगा। चुप रहो, कुछ नहीं, तुम मुझसे प्यार नहीं करती। और खिला दो फिर। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई, अब टुकवा टुकवा तेरी तो ऐसी तैसी। कुत्ता काट लिया, लगेगा इंजेक्शन। तेरी तो मैं लगने वाला था। इतनी जिद करती है, इतनी लगने नहीं दिया। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने 7,500 रुपए वसूल करके तो रहूंगा। आधा इंजेक्शन लगवा ले, इतना पूरा भरा हुआ है, इतना सा लगवा ले, आधा सा। थोड़ी सी जवान बन जा, थोड़ी सी, थोड़ी सी। अच्छा सुनो, अच्छा एक डील, एक बात बैठ जा, थक गई मैं एक सर पे लगवा लूंगी पक्का। इंजेक्शन लगवाने में मुझे कोई डर नहीं लगता, पर थोड़ा सा डर लगता है। हाँ मुझे मालूम है, तो मैं वो डर लग रहा है कि कोई चीज तो मैं वो नहीं कर जाए। इंजेक्शन लगवा लूंगी पर एक शर्त पे, अगर मैं जवान हो गई और तुम बुढ़े रह गए और मेरा मन डोल गया तो फिर। मन डोल गया मतलब? मतलब किसी और जवान से लड़के ने मुझे पसंद कर लिया, प्रपोज कर दिया। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो फिर
तुम तो बूढ़े रह जाओगे, तुम बूढ़े रह जाओगे फिर तुम्हारा क्या होगा, मैं तुम्हें छोड़ के चली गई तो, क्योंकि मैं जवान हूँ तो जवानों को पसंद करूंगी, तुम जैसे बुढ़े के साथ क्यों रहूंगी फिर मैं? चिंता मत करो, दिखने में ही बुढ़ा लगूंगा, वैसे मैं अंदर से हमेशा जवान ही रहूंगा। अंदर का क्या करना यार, जब दिखने में ही बुढ़े लगोगे तो मैं भी लगवा लूंगा ना इंजेक्शन। अरे तुम्हारे पता नहीं असर किया कि नहीं किया? अच्छा फिर असर कट जाएगा, हम भी असर नहीं करेगा। चलो तुम लगा लो, ऐसा करते हैं दूसरा ट्राई मार के देखेंगे, ठीक है? लगा लो, मतलब तैयार हो लगवाने के? हां लगवा लूंगी, और मुझे ब्लेम मत करना अगर बाय चांस सड़क पे किसी बंदे ने मुझे छेड़ा या प्रपोज किया या बोला तो मैं तो कह दूंगी हाँ ठीक है, मुझे जवान मेरे पति ने बनाया है, बना लो तो बुड्ढे बने रहना, मैं जवान बन जाऊंगी और फिर मैं छोड़ जाऊंगी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, ठीक है लगवा ले, देख लेना फिर छोड़ जाऊंगी तुम्हें मैं, फिर इस जवानी का कोई तुम्हें तुम्हारे लिए कोई फायदा नहीं होगा इस जवान होने का। छोड़ी जाएगी मुझे? बिल्कुल तो छोड़ी जाएगी, जवानों से कुछ मैं तुम्हारे साथ बुड्ढे के साथ रह के क्या करूंगी फिर मैं? अच्छा हां मेरे संग खेल रही है? हां बिल्कुल हां लगा दो, लगा दो शौक से लगा दो मुझे, मैं कितना लगाऊं दिखाई दे रहा खाली है, ले लगा दो ना। अबे तो खाली लगाऊं, हवा है इसमें, खाली लेके क्यों घूम रहे हो? प्रैंक करने के लिए। मर गई कुछ मुझे ऐसे मुझे ऐसे ही शक हो रहा था तुम्हारे पर कि जरूर ये आदमी इतना पीछे पड़ रहा, पक्का कुछ ना कुछ दाल में काला है, जवानी का इंजेक्शन। और मेरा कल तो बड़े स्टाइल से करी थी, कल तो बड़े स्टाइल से करी थी कि होठों पे इंजेक्शन लगवाऊंगी मैं, होठ फूल जाएंगे, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना जाके इंजेक्शन ठोका ही जाए। तू भी प्रैंक था तुम्हें पता, और कुछ दिन पहले किस करके दिया था ना, कुछ दिन पहले कारे का कारा पे ला रही थी ना मुझे जवानी वाला, ओ लग गई यार कहां दिखाना शुरू घुस गई, हट गलत जगह लग गई, अच्छा गलत जगह लग गई, तो फिर जवानी वाला कैंसिल। जब अपने ऊपर भागने की बात आई, जब अपने मतलब जब तुम्हारे पर बात आई कि तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी, देखो चक्कर पे कितने 12 बज गए जब तक प्रैंक कर रहे थे, सही है सही जगह बेटा, हम भी यूट्यूबर है, हम भी प्रैंक करते हैं, हम भी प्रैंक करते हैं, ठीक है ना, हर बार तुम्हारे झांसे में नहीं आ जाएंगे, कभी कभार हमको लगता है शक होता है तुम्हारे पर, तुम प्रैंक कर रहे हो तो हम तीर मारते हैं वो सही जगह फिट हो जाता है जाकर के। दोस्तों कैसे डर के मारे तो उसके पसीने छूट रहे थे और अब बड़ा स्टाइल मान लिया, सही पकड़े हैं। ठीक है फ्रेंड्स बाय बाय, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट प्रैंक में, पसंद आए लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, अच्छी कमेंट करो शेयर करो, ठीक है फ्रेंड्स बाय बाय। किसी को चाहिए हो तो बताना, हमारे यहाँ मिल रहा है बाय वन गेट वन फ्री एक और रखा, हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए पेयर में चाहिए होता है, ठीक है, इतनी बुद्धि नहीं है तुमको, लगाओ तो दोनों को।